अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका अपने YouTube चैनल इस्लामिक नॉलेज हिंदी पर। नॉर्मली तौर पर हम ब्लॉग्स नहीं बनाते हैं, लेकिन आज ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे YouTube चैनल के जरिए किसी की मदद हो सके। एक वाक्य पेश आया है रसूलपुर सराय ख्वाजा आगरा उत्तर प्रदेश में, जहां एक लड़की 3 दिन से अपने घर से लापता है। लड़की की उम्र तकरीबन 20 साल है, रंग सांवला, लड़की की हाइट 4.5 फीट है तकरीबन, और लड़की मनबुद्धि होने के साथ साथ गुंगी भी है। तो चलिए नाजरीन, आपको लेके चलते हैं उसके घर पर। तो नाजरीन, अब हम आ चुके हैं मोहल्ला रसूलपुर सराय ख्वाजा में, और ये रसूलपुर की मस्जिद है। अब हम जो है लापता लड़की के घर पे चल रहे हैं। आइए चलिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लापता बच्ची के घर पे आ चुके हैं, और ये एकदम खड़े पूरा। तो चलिए अब हम आपको इनके परिवार वालों से मिलवाते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं लापता बच्ची के घर पर, और हम बात करेंगे उनकी माँ से। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनका साथ दें और इस वीडियो को शेयर करें, इंशाल्लाह मिल जाएगी। और हम बात कर लेंगे आप कुछ और लोगों से। हमारी बस्ती की लड़की है, यहाँ से बस्ती में गायब हो गई है, घूम ली है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, उम्र 30 साल की करीब है, पता नहीं कहाँ चली गई। चारों तरफ बस्ती वाले भी ढूंढ रहे हैं मगर लापता है। जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, हम अपने यूट्यूब के चैनल पर उसको डिस्प्ले करा देंगे, और डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, घर का मकान नंबर वगैरह सब हम डाल देंगे, लोकेशन भी डाल देंगे। और अब हम बात करेंगे इनके भाई से, लड़की के भाई से। पागल बोल नहीं पाती थोड़ी, और नीचे खेलते हैं, पता नहीं कोई ले गया क्या हुआ, पता नहीं है, भूख रहे, परेशान हो रहे हैं, और चौकी में भी गए थे रिपोर्ट लिखाई, और अभी तक कोई पता नहीं पड़ा। इन लोगों ने बताया जैसे कि पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, और ढूंढते हुए नहीं मिल पा रही है। आपको गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक उन्हें ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि इनकी जो बेटी है, एक माँ को अपनी बेटी, एक भाई को अपनी बहन मिल सके। आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह। तो देखा नाज़रीन, लड़की के घर वाले कितने परेशान और गमजदा हैं, और मोहल्ले के सारे लोग लड़की को ढूंढने के लिए इनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है, और घर वालों ने पुलिस स्टेशन के अंदर FIR भी दर्ज करा दी है। पुलिस भी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अब हमारा और आपका फ़र्ज ये बनता है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि एक माँ को अपनी बेटी मिल सके और एक भाई को अपनी बहन मिल जाए। अगर आपको इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चलता है, तो
तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके हमें बता सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला एक माँ को अपनी बेटी से मिला दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।